हेलो बच्चों, इस सॉल्यूशन वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। हमने स्टार्ट किया था सीबीएसई में जो हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन कर रहे थे। इसमें से हमने इसके पहले जितने भी क्वेश्चंस थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो जाके एक बार देख सकते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है कि हमें एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, ठीक है, किसी मैट्रिक्स का। वो डिटरमिनेंट को 0 से इक्वेट किया हुआ है और हमको बोला है कि इस एक्स की वैल्यू निकालने बोला है, ठीक है। तो सिंपली हम जो जानते हैं कि डिटरमिनेंट को सिंपल ओपन अप कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो सिंपल हम ओपन करते हैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम से। तो हम रो R1 से हम ओपन अप करते हैं, ठीक है, एक्सपेंड करते हैं इस डिटरमिनेंट को। तो जैसे हम 5 को लेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 5 इंटू क्या हो जाएगा, माइनस का 2x और यहाँ से प्लस का 18 हो जाएगा। अब यहाँ से आप फिर जब -3 को लेंगे, जब हम -3 को लेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा और यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, -7 14 हो जाएगा यहाँ से। और ये 9 3 27 हो जाएगा। और यहाँ से जब हम बात करेंगे -1 के जब लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, -42 और माइनस का यहाँ से आ जाएगा आपको 9x, यहाँ से इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देख सकते हैं इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 10x, ये हो जाएगा प्लस का 90, ये हो जाएगा -3 इंटू ये हो जाएगा 27 प्लस 14 हो जाएगा आपका 41 और यहाँ से हो जाएगा आपका प्लस का 42 और प्लस का 9x इक्वल्स टू 0। अब -10x है यहाँ, प्लस का 9x है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ माइनस का एक्स, ओके। और यहाँ से जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 90 और 42 ये हो जाएगा आपका 132 और यहाँ से आपका हो जाएगा कितना, 41 3 तो ये हो जाएगा 123 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा बेसिकली माइनस एक्स प्लस का 9 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा आपका कितना, एक्स बराबर 9, ओके। तो एक्स बराबर 9 ये आपका हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा आपको एक्स बराबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर तो डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि इनवर्स निकालने, -4 3 7 और -5, -4 3 7 और -5। तो सबसे पहले हम ये जो मैट्रिक्स मान लेते हैं इसको ए है, तो पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालें। मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए पहले देखना तो होगा कि डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है कि नॉन जीरो। अगर 0 आ रहा है तो इन्वर्स ही नहीं निकलेगा, ठीक है। तो यानी कि सबसे पहले हम चेक करेंगे कि डिटरमिनेंट क्या आ रहा है। तो डिटरमिनेंट चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका इसका क्रॉस मल्टीपल 5 × 4 हो जाएगा आपका 20 और ये हो जाएगा आपका कितना, 7 × 3 हो जाएगा -21। तो ये यहाँ से हो गया आपका -1, ये तो नॉट इक्वल टू 0 यानी कि इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, ये इन्वर्स एग्जिस्ट। अब इन्वर्स निकालने का सीधा मेथड है कि आप क्या करें कि ये जो हमारा ये जब 2x2 की मैट्रिक्स होती है ना, तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक आता है कि जो हमारा डिटरमिनेंट है इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस 1/1 रहने देते हैं यहाँ से। और क्योंकि हमें पता है ना ए इनवर्स बराबर क्या होता है, 1/determinant of A × adjoint of A। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए सिंपल शॉर्ट ट्रिक है कि इसको हम इंटरचेंज कर देंगे -5 और -4, और इसमें इन दोनों में हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, ठीक है, -3 और -1। और माइनस से जब जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा आपका कितना, 5 3 7 और 4। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा 5 3 7 और 4, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, ठीक है। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन ले सकते हैं, इसके बाद वाला भी क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी एक बार हम कर ले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में भी इन्वर्स के बारे में बात किया है तो ये भी कर लेना सही रहेगा। तो अब ए दिया हुआ कितना आपका, ए दिया हुआ है हमारा 1 0 0 0 0 1 0 और दिया 59 69 और -1, 59 69 और -1। अब क्लियरली जब हम डिटरमिनेंट निकालेंगे इस मैट्रिक्स का, ठीक है, डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट इसके जो डायगोनल एंट्रीज है उसका मल्टीपल हो जाएगा, तो 1 × 1 × -1। तो यहाँ से हो जाएगा आपका -1, ये तो 0 के इक्वल नहीं आया, यानी कि ये क्या होगा, यहाँ से ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे आपको बोला गया है कि ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे बोला है ना, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अब हमको पूछा है कि ए इनवर्स निकालना है और ए इनवर्स चेक करना है कि वो ए के यहीं इनवर्स निकल रहा है या -a के बराबर आ रहा है या ए स्क्वायर के बराबर आ रहा है, ठीक है।
तो अब क्या करेंगे हम यहाँ से, हम लोग जानते हैं इनवर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होगा सारे मैट्रिक्स का, तो आप सिंपली देख सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स आएगा, जैसे इसका माइनर निकालेंगे हम इस और इस इसके में, ठीक है, तो इसका माइनर कितना होगा, -1 होगा, तो 1 -1 पे जाएगा। फिर हम इसका माइनर निकालेंगे तो 0 आएगा, इसका माइनर 0 आएगा, इसका माइनर 0 आएगा, इसका माइनर 0 आएगा, इस सब में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। फिर जब हम इसका माइनर निकालने जाएंगे तो ये क्लोज, यहाँ से आपका माइनर निकलेगा ये और ये पार्ट का, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ से भी 0 मिल जाएगा। जब हम यहाँ से खोलेंगे तो यहाँ से भी आपको क्या मिल जाएगा, आपको ये भी 0 मिल जाएगा, और ये जब -1 करेंगे तो ये प्लस का 1 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो सारे का माइनर हम निकालते हैं पहले, सिंपल है, माइनर निकालना बहुत ईजी है। जब पहले का निकालेंगे तो माइनर निकाल के फिर कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा ना, तो 1 इंटू, चलिए हम निकालते हैं पहले माइनर एक एक करके। जैसे हम लोग निकालेंगे M11 निकालेंगे, तो M11 में क्या आएगा आपका, 100-1, यहाँ से आ जाएगा आपका -1, और यहाँ से आपको C11 निकालना होगा, C11 क्या हो जाएगा, -1 के पावर 1 प्लस 1 इंटू में -1, तो यहाँ से हो जाएगा आपका -1, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम M12 निकालेंगे तो ये तो 0 आएगा चाहे कुछ भी रहे, M13 निकालेंगे तो ये भी 0 आएगा, M21 निकालेंगे तो ये भी 0 आएगा, M22 निकालेंगे, जब हम M22 की बात करेंगे तो देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 है ना, तो यहाँ से 1 को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ से भी क्या आएगा, -1 आएगा, 100-1, तो यहाँ से भी हो जाएगा आपका कितना, नहीं यहाँ पे हो जाएगा ये क्लोज हो जाएगा, यानी 59 आएगा ना, यहाँ से 59 आएगा, तो फिर लेकिन इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा, -1 ही आएगा। और यहाँ से जब हम यहाँ से C11 निकालेंगे, यहाँ से C11 सारे ये सब सारे क्या हो जाएंगे, C12 0 हो जाएंगे, C13 भी 0 हो जाएंगे, C121 भी 0 हो जाएंगे। अब C22 की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये भी हो जाएगा -1, ओके। उसी तरीके से अगर हम M22 हो गया, M230 हो जाएगा सीधा, M230 हो जाएगा, M31 भी 0 हो जाएगा, M32 भी 0 हो जाएगा, M33 के केस में जब हम जाएंगे, M33 के केस में जब जाएंगे तो वो कितना हो जाएगा आपका, M33 के केस में क्या आएगा बताइए, तो जब इसको लेंगे तो ये क्लोज होगा, और यहाँ से हो जाएगा 1001, यानी कि 1 आ जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा, तो C33 भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मैट्रिक्स हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ से आप देखिएगा तो यहाँ से -1 0 0 0 -1 0 0 0 1, ठीक है। अब जैसे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस, ये प्लस, ये भी, ये माइनस, ठीक है। तो अब इसका ट्रांसपोज भी लेंगे तो हमको यही मल्टीप्लाई में आएगा, मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1 -1। तो आपको यहाँ से जो एडजॉइंट वाले मैट्रिक्स मिल गए, ये पूरा मैट्रिक्स मिलेगा कितना, ए इनवर्स बराबर कितना आ गया, 1 0 0 0 1 0 0 0 -1, ठीक है। अब यहाँ से हमको देखना क्या है कि ए के बराबर तो आया नहीं, ए माइनस ए के बराबर आया क्या, यहाँ से माइनस ए के बराबर भी तो नहीं आया है, स्क्वायर करके देखते हैं, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर करके देखते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 69 69 से -1, यहाँ से हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 69 69 -1, तो यहाँ से हो जाएगा 1 इंटू 1 हो जाएगा 0 0, यहाँ से 0 1 0 ही आएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से जब करेंगे तो हमारा 59 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से हो जाएगा ये 0,
और ये माइनस का 59 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जब हम करेंगे तो ये 59 हो जाएगा, 0 69 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस का 69, 59 माइनस 69, यहाँ से जब 0 होगा ये भी 0 होगा, ये माइनस वन, माइनस वन क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जा रहा है। लेकिन हमारा यहाँ क्या आया था, यहाँ पे जब हम C33 निकाले थे तो शायद हमको आया था कितना, जब हमारा C33 निकाले थे तो प्लस का 1 आया था ना, हाँ सॉरी माई मिस्टेक, यहाँ पे प्लस का 1 आया था, सारे प्लस आए थे, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। होप आपको समझ में आ गया होगा ये वीडियो, आशा करते हैं सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए हैं। और इसी तरीके से आप बने रहिए, हम बाकी के क्वेश्चन का भी डिस्कशन करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।